गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवती मोदी पब्लिक स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट चैप्टर 11, हाउ वी कम्युनिकेट। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द वे इन विच वन पर्सन एक्सचेंजेस फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज एंड अदर इंफॉर्मेशन विद अनदर पर्सन। जब हम अपना कोई मैसेज किसी दूसरे तक पहुँचाते हैं, वही कम्युनिकेशन है। इवन योर बॉडी लैंग्वेज include face expressions, body movement and gestures, eye contact, posture, the tone of your voice also called communication. Look at this picture. What is she doing? She is dancing. Dancers use their hands, legs and face to communicate. The hand gestures used by dancers are called mudras. Look at this picture. What is it? This is sign language. Deaf and dumb people use sign language to communicate. Deaf and dumb people वे ना तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, इसलिए वो sign language use करते हैं दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए। Means of communication. Let's learn about means of communication one by one. Once upon a time, people living in one place communicate with people in another place by using pigeons. They wrote a message on a piece of paper and tied it to the leg of the pigeon. पुराने टाइम में, बहुत पुराना जो समय था, उसमें जो लोग थे वो अपना मैसेज कैसे पहुंचाते थे दूसरों तक? पिजन के थ्रू। वो अपना मैसेज एक पेपर पे लिखते थे और उसको फोल्ड करके या तो उसके पिजन के गले में टाई कर देते थे या फिर उसके लेग में टाई कर देते थे और उसको उड़ा देते थे। वो पिजन जिस तक मैसेज जाना होता था उसी को जाकर उसी के पास चला जाता था और वो उस मैसेज को खोल लेते थे। तो पिजन के थ्रू बहुत पुराने टाइम में ऐसे ही अपना मैसेज या अपना कम्युनिकेट करते थे अपने मैसेज को। लेटर्स, जो हमारा पहला कम्युनिकेशन है, मींस ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, पोस्टल कम्युनिकेशन। पोस्टल कम्युनिकेशन में आता है लेटर्स। वी कैन सेंड और मैसेज बाय लेटर्स टू ईच अदर। वी कैन यूज अ लेटर बॉक्स टू पोस्ट इट। जब हम अपना लेटर लिखते हैं तो हमें उसे लेटर बॉक्स में पोस्ट करना पड़ता है, तभी वो मैसेज हमारा दूसरों तक जाता है। तो दिस इज लेटर बॉक्स। हैव यू सीन द लेटर बॉक्स? क्या आपने देखा है बच्चों लेटर बॉक्स? शायद ही, क्योंकि अब ये बहुत कम हो गया है। मोबाइल फोन्स के थ्रू हम जो मैसेज पहुंचाते हैं तो लेटर बॉक्स तो बहुत ही कम हो गया है। कभी कभी रेयरली इसके थ्रू मैसेज भेजा जाता है, लेकिन पुराने टाइम में ये बहुत यूज़ होता था। लेटर्स और लेटर्स के थ्रू ही हम अपना मैसेज दूर तक पहुंचाते थे। लेटर्स में आता है पोस्ट कार्ड के थ्रू हम अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। अ कार्ड दैट यू राइट अ मैसेज ऑन इट एंड सेंड टू समबडी। पोस्ट कार्ड्स मे हैव अ पिक्चर ऑन वन साइड एंड आर यूजुअली सेंट विदाउट एन एनवलप। इसको हमें एनवलप में रखने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा इस पोस्ट कार्ड के ऊपर ही अपना मैसेज हम लिख देते हैं और इस पर एड्रेस लिखकर हम इसे पोस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनलैंड लेटर। कम्युनिकेशन बिटवीन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वर ऑल सेंट थ्रू इनलैंड लेटर्स। इनलैंड लेटर्स में भी ऐसे ही है, हम अपना मैसेज लिख सकते हैं और इसको फोल्ड कर इसको पोस्ट लेटर बॉक्स में पोस्ट कर देते हैं। टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन। टेलीफोन
The telephone was invented by Alexander Graham Bell. The telephone is a very fast means of communication. You just have to ring up someone to pass a message. जितनी जल्दी within 1 minute, within 1 second हम अपना मैसेज मोबाइल या टेलीफोन के थ्रू दूसरे तक पहुंचा सकते हैं. Telephone are used in villages, towns and cities. जब हम स्टेट में स्टेट टू स्टेट अपना मैसेज पहुंचाना होता है हमें और हम फ़ोन के थ्रू अपना मैसेज पहुंचाते हैं तो हम STD यूज़ करते हैं. उसको हम STD कहते हैं, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. और जब हमें अदर कंट्री में बात करनी होती है उसको ISD कहते हैं, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग. मोबाइल फोन्स आर वेरी पॉपुलर nowadays. मोबाइल फोन्स आर वेरी पॉपुलर, सभी जानते हैं, सभी बच्चों के पास है. आजकल तो इवन मोबाइल फ़ोन पर ही आपकी क्लासेस होती हैं, है ना. तो सभी जानते हैं मोबाइल फ़ोन को. दे आर कन्वीनियंट बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड कैन बी कैरीड एवरीवेयर. बहुत इजीली हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं, अपने बैग में कैरी कर सकते हैं, कहीं भी हम ले जा सकते हैं इजीली. वीडियो कॉल्स सभी को पता है, शायद सब करते भी होंगे, है ना. सभी बच्चे जानते हैं कि वीडियो कॉल क्या होते हैं. वीडियो कॉल्स कैन बी मेड थ्रू द इंटरनेट ऑन कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स. द स्पीकर्स कैन सी ईच अदर व्हाइल दे टॉक. जब हम टॉकिंग करते हैं तो वीडियो कॉल पे हम एक दूसरे को देख सकते हैं. इंटरनेट एंड ईमेल. कंप्यूटर्स हैव डेवलप्ड वेरी फास्ट इन द पास्ट फ्यू ईयर्स. द इंटरनेट इज यूज टू गेट ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. इंटरनेट से हम विद इन 1 second कहीं की भी कोई भी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं. आप लोग भी जब कुछ नहीं आपको आता है या आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप इंटरनेट के थ्रू एकदम से उस पर टाइप करके और इंटरनेट से आप कोई भी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं. मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. व्हाट इज मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन? अच्छा बच्चों, हाउ इज इट पॉसिबल टू सेंड अ मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम? क्या ये पॉसिबल है कि आप एक ही टाइम में इतने सारे लोगों को एक ही साथ अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल? जी हाँ, ये पॉसिबल है. रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड एडवर्टाइजमेंट, इनके थ्रू हम अपना मैसेज एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं. दीज आर मास मीडिया, है ना. और इसी को हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं. इसमें न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मैगजीन्स, रेडियो, ये सब आ जाते हैं मास कम्युनिकेशन में. मास कम्युनिकेशन के थ्रू हम एक ही टाइम में अपना मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं. यस स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी लर्नड अबाउट मास कम्युनिकेशन, है ना. ओके, थैंक यू, बाय बाय.